अगर आप गूगल पे से पैसों की लेन देन करते हैं तो ये खबर आपके लिए है। दरअसल गूगल अपने डिजिटल पेमेंट प्लेटफॉर्म गूगल पे से पीयर टू पीयर पेमेंट सर्विस बंद करने जा रहा है। इस सर्विस को जनवरी 2021 से बंद कर दिया जाएगा। कंपनी इस सर्विस के बदले इंस्टेंट मनी ट्रांसफर पेमेंट सिस्टम जोड़ेगी, लेकिन इसके लिए यूजर्स को चार्ज देना होगा। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक अभी कंपनी ने इन चार्ज को लेकर कोई भी जानकारी शेयर नहीं की है। अभी यूजर्स गूगल पे ऐप और pay.google.com दोनों प्लेटफॉर्म की मदद से पैसे को ट्रांसफर कर पाते हैं। ऐसे में अब गूगल ने एक नोटिस जारी करके यूजर्स को नोटिफाई किया है कि उसकी वेब पेमेंट सर्विस अगले साल जनवरी से काम नहीं करेगी। उसने बताया कि 2021 की शुरुआत से यूजर्स pay.google.com प्लेटफॉर्म पर जाकर ना तो पैसे भेज पाएंगे और ना ही ले पाएंगे। पैसे ट्रांसफर करने के लिए उन्हें गूगल पे ऐप का इस्तेमाल करना होगा। 9to5 गूगल की रिपोर्ट के मुताबिक अभी गूगल पे मोबाइल या फिर pay.google.com से पैसे को भेजने और रिसीव करने की सुविधा देता है। हालांकि अब गूगल की तरफ से नोटिस जारी करके वेब ऐप को बंद करने का ऐलान किया गया है। ऐसे में यूजर 2021 की शुरुआत से pay.google.com के जरिए पैसों का लेन देन नहीं कर पाएंगे। यूजर को गूगल पे ऐप का ही इस्तेमाल करना होगा। कंपनी ने अपने सपोर्ट पेज पर बताया है कि जब आप अपने बैंक खाते से पैसे ट्रांसफर करते हैं तो पैसों के ट्रांसफर होने में 1 से 3 बिजनेस दिन का वक्त लगता है, जबकि डेबिट कार्ड से पैसे तुरंत ट्रांसफर हो जाते हैं। जब आप डेबिट कार्ड से पैसे ट्रांसफर करते हैं तो 1.5% या $0.31 की फीस लगती है। ऐसे में गूगल की तरफ से भी इंस्टेंट मनी ट्रांसफर पर चार्ज वसूला जा सकता है। गूगल ने पिछले हफ्ते ही गूगल पे ऐप के लिए कई सारे फीचर्स को रोल आउट किया है। ये सभी फीचर्स फिलहाल अमेरिकी एंड्रॉइड और iOS यूजर्स के लिए रोल आउट किए गए हैं। कंपनी ने हाल ही में गूगल पे का लोगो भी बदल दिया है।